बिहार के डिप्टी सीएम पद के लिए सस्पेंस करीब खत्म हो गया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद सूबे के अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जबकि सुशील कुमार मोदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी के विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, वहीं उपनेता के तौर पर रेणु देवी को चुना गया है। बताते चलें कि तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इस बार तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी के कटिहार सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर कटिहार सीट से लगातार चौथी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। उधर सुशील मोदी ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो बिहार के अगले डिप्टी सीएम नहीं होने जा रहे हैं। सुशील मोदी ने भावुक होकर ट्वीट में लिखा कि भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा, कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने विधायक रेणु देवी को बीजेपी दल का उपनेता चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि नुनिया समाज से आने वाली बेतिया से चौथी बार विधायक श्रीमती रेणु देवी के भाजपा विधानमंडल दल के उपनेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर हार्दिक बधाई। बता दें कि आज बिहार में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को एक बार फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और सोमवार यानी 16 अक्टूबर को नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कल शाम 4:30 बजे सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना में एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं तो चाहता था कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा का बने, लेकिन बीजेपी के ही लोगों ने मुझसे मुख्यमंत्री बनने को लेकर आग्रह किया है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री गेस्ट हाउस पर एनडीए घटक दलों की संयुक्त बैठक हुई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।